पूरे महाराष्ट्र को आज हजारों करोड़ की सौगात मिलने जा रही है, लेकिन इनमें सबसे खास बात यह है कि मुंबई का अटल सेतु, ये शानदार पुल इंजीनियरिंग का कमाल का नमूना माना जा रहा है, क्योंकि आपको बताते हैं कि क्या है इसकी खासियत। देखिए खास रिपोर्ट। मुंबई में सफर के लिए अब सिंगापुर जैसी सुविधा मिलने जा रही है। ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, जिसके जरिए शिवडी और दक्षिण मुंबई से नहावा, शेवा और नवी मुंबई तक के इलाकों में घंटों का सफर मिनटों में पूरा हो जाएगा। अटल सेतु नाम का ये पुल मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए नई लाइफलाइन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे। ये पुल शिवडी और नहावा शेवा के बीच बनाया गया है। ये पुल 6 लेन का है। इसकी लंबाई करीब 22 किलोमीटर है। इसका करीब 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र पर है, जबकि करीब 5.5 किलोमीटर हिस्सा जमीन पर है। ये पुल दो मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। एक ओर ये देश का सबसे लंबा पुल है, तो साथ ही देश में समुद्र पर बना सबसे लंबा पुल भी है। इसके निर्माण पर 17,840 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये ब्रिज पूरे विश्व में जो सी ब्रिजेस है उनमें से वन ऑफ द टॉप ब्रिजेस में से माना जा रहा है। इस ब्रिज में तीनों टेरेन से हमने काम किया हुआ है, यानी हमने इसमें लैंड का एक एलिवेटेड पार्ट है, इसमें समुंदर में एक ब्रिज है और साथ ही में मड फ्लैट्स में इसमें काम की गई है। इसमें कई टेक्नोलॉजीज ऐसी इस्तेमाल हुई है जो पहली बार भारत में इस्तेमाल हुआ है। पीएम मोदी ने दिसंबर 2016 में इस पुल की आधारशिला रखी थी। तकरीबन 6 साल में ये शानदार पुल बनकर तैयार हो चुका है। खास बात यह है कि ये पुल हाईटेक सुविधाओं से लैस है। इस पर ओपन रोड टोलिंग सिस्टम है, यानी टोल चुकाने के लिए किसी गाड़ी को रुकना नहीं पड़ेगा। इसमें बहुत शक्तिशाली स्कैनर लगे हैं। इस पुल पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। इस पर 400 कैमरे लगे हैं, जिनमें 190 थर्मल कैमरे हैं। लिहाजा धुंध कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने पर भी यहां से गुजर रही गाड़ियों पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी। तो इस पुल पर ओवर स्पीडिंग या किसी गाड़ी के खराब होने या अनजान वजह से रुकने की जानकारी कंट्रोल रूम को तत्काल मिल जाएगी। साथ ही इस पुल को पर्यावरण के भी अनुकूल बनाया गया है। साफ है कि सफर बेहद सुरक्षित हो, इसके लिए इस पुल पर सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। इस पुल के निर्माण से खासतौर से उन लोगों को फायदा होगा जिनके इलाकों में अभी तक मुंबई की लोकल ट्रेन सेवा नहीं है। लिहाजा माना जा रहा है कि रोजाना लगभग 70,000 से ज्यादा गाड़ियां इस पुल से गुजरेंगी। आपको बता दें कि इस पुल से सफर में कितनी आसानी होने जा रही है। इससे मुंबई और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच सफर में बेहद कम समय लगेगा। साथ ही मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बीच भी सफर आसान होगा। वहीं मुंबई से नवी मुंबई और आसपास के तटीय इलाकों तक यात्रा में कम समय लगेगा। साथ ही पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा भी सुगम हो जाएगी। हालांकि इस पर एक तरफ से सफर के लिए 250 रुपए टोल टैक्स देना होगा। ब्रिज जो है ये साउथ मुंबई, नॉर्दर्न मुंबई, वेस्टर्न सबर्ब्स और उस तरफ पे शिवाजी नगर यानी उलवे और नवी मुंबई, आगे जासई और आगे चिल्ले नेशनल हाईवे और आगे बॉम्बे पुणे एक्सप्रेसवे, यहाँ तक के तो कनेक्ट करने की इसमें पूरी प्लानिंग है। बाद में जब मल्टीमॉडल कॉरिडोर बनेगा तो मल्टीमॉडल कॉरिडोर से भी ये ज्वाइन हो जाएगा। ये भी बता दें कि पीएम का आज का महाराष्ट्र दौरा बेहद खास है। वे आज महाराष्ट्र को 30,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वे मुंबई में पीएम ईस्टर्न फ्रीवे के ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव को जोड़ने वाली अंडरग्राउंड रोड टनल का भी शिलान्यास करेंगे। साथ ही वे जेम्स और ज्वेलरी के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सीप सेज में भारत रत्नम और न्यू एंटरप्राइजेस एंड सर्विस टावर्स का भी शुभारंभ करेंगे। पीएम महाराष्ट्र में रेलवे और पीने के पानी की कई परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। वे राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए नमो महिला सशक्तिकरण अभियान भी लॉन्च करेंगे। मुंबई से पहले पीएम मोदी आज नासिक पहुंचने वाले हैं। वहां वे कालाराम मंदिर में आरती में शामिल होंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर नासिक में 27वें यूथ फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।